प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि संविधान की धज्जियां इसी दिन उड़ाई थी, भावनाओं की धज्जियां इसी दिन उड़ाई थी। आज का दिन ये अब सिद्ध करेगा कि उत्तर प्रदेश और भारत में जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, इनको उखाड़ने का काम शिवपाल सिंह के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी, और ये आपको अब आगे इस 2019 के चुनाव में सिद्ध हो जाएगा। भाईचारे को मिटाने के लिए जो आज चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे कैराना जैसी घटनाएं हो, ये पुनरावृत्त हो रही हैं, और जब तक ये घटनाएं, चाहे अब तो यहाँ तक हद हो गई है, गाय और सांड लोगों को मार रहे हैं। इस सरकार को जब तक ये जानवर लोग का, मनुष्यों का हनन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप में ये सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। हमारी महामहिम राज्यपाल जी से ये दरख्वास्त है, विनती है, अनुरोध है कि इस सरकार को धराशायी करें और कानून व्यवस्था को स्थापित करें, और समाजवादी जो हमारी प्रगत समाजवादी पार्टी है, इसके नेतृत्व में शिवपाल सिंह के द्वारा में 19 में चुनाव लड़कर हम इन शक्तियों को हराने और को हटाने का काम करें।